ऊर्जाओं का बड़ा प्रवाह है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मकता हो तो जीवन सुखमय होने लगता है, नकारात्मकता हो तो मानो सब खराब लगने लगता है। चाहे वो सोच में आए, चाहे जीवन में आए, चाहे तुम्हारे अंदर आए या तुम्हारे परिवार में आए, तुम्हारे व्यापार में आए, तुम्हारे काम धाम में आए, तुम्हारी नौकरी में आ जाए, जिस भी जगह ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार अस्त व्यस्त होता है तो आपके जीवन की सब चीजें खराब होने लगती हैं। ऊर्जाओं का बड़ा प्रवाह है। आपको पहले तो एक बात बताऊं, घर के बाहर ये नंबर लिख देने से आपके घर में सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है। क्या होता है? घर के बाहर ये नंबर लिखने से आपके घर में, आपके व्यापार में, दुकान में, आपके कार्यशाला में, जो भी आप जहां चाहते हैं वहां सकारात्मक ऊर्जा बहुत हद तक बढ़ जाती है। सकारात्मक और नकारात्मकता का बड़ा प्रवाह है, जीवन इससे इतर नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत क्षमतावान हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप बहुत नॉलेजवान हैं, आपको काम करना बड़ा अच्छे से आता है, आप बड़े कुशाग्र हैं अपनी व्यवस्थाओं में, लेकिन अगर निगेटिव हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। डिप्रेशन में आप आते ही इसीलिए हैं क्योंकि निगेटिविटी आपको प्रभावित करती है। आपको पता है ये भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी किया कराया तंत्र मंत्र जंतर वंतर खंतर वंतर ये सब निगेटिविटी का ही एक स्वरूप है। कोई वो ब्रह्म राक्षस बोलेगा, कोई बैताल बोलेगा, कोई कुष्मांडा बोलेगा, कोई जाने क्या 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 शक्तियों की बात करेगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सब पॉजिटिविटी और निगेटिविटी के ही नाम है। और जरा ध्यान से समझो, बात यही खत्म नहीं होगी। रिश्तों में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारी लव लाइफ में, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में और तुम्हारी निजी रिश्तों में जो भी खटास आती है, जो भी विकार आते हैं, अलगाव की जो भी स्थिति बनती है, संबंध विच्छेद की जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, उन सबका सबसे बड़ा कारण पॉजिटिविटी और निगेटिविटी है। सिर्फ ये नंबर लिख देने भर से तो सब ठीक हो सकता है। बाबा शिव और माता पार्वती के स्वरूप के ये दोनों नंबर हैं। ये दोनों नंबर अगर आप अपने घर के बाहर लिखते हो, और हाँ इसका साइज कोई बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना कि दुनिया जान जाएगी, एकदम आपके नाखून के साइज का लिखना है ताकि सामान्यतः कोई देख भी ना पाए। आपको ये क्रम, ये नियम, ये व्यवस्था इतनी सकारात्मकता से करना है कि आप तत्काल बेनिफिट पाए, तत्काल लाभ पाए। और जरा ध्यान रखना, बाबा शिव की कृपा से इस उपाय का, इस सल्यूशन का कोई जोड़ नहीं है। चाहे तुम्हारा विवेक खराब हो रहा हो, या तुम्हारे किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो रहा हो, चाहे माहौल खराब हो रहा हो, चाहे परिस्थिति खराब हो रही हो, चाहे काम खराब हो रहा हो, चाहे मन खराब हो रहा हो, और चाहे आपका जीवन खराब हो रहा हो, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी का प्रताप जिस भी रूप में तुम्हारे ऊपर आ रहा है उसे ठीक करने का तत्काल साधन है ये नंबर लिख देना। अब क्या करना है? सबसे पहले तो एक स्केच पेन में हल्का सा केसर से मिश्रित पानी, 8-10-20 बूंद खूब बढ़िया बनाइए, गाढ़ा पानी बनाइए केसर को घिस के, और उसे स्केच पेन के अंदर भर दीजिए, और स्केच पेन को उठा करके अपने ही घर में किसी शिव मूर्ति या शिव जी के, भगवान बाबा शिव के तस्वीर के आगे रख दीजिए, और रखते समय ये प्रार्थना करिए, बाबा आप तो विश्वान करते हो, आप तो सर्वस्व समझते हो, आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है, आप तो शक्ति और शिवा के साथ विराजमान हो, आपकी महिमा आपका बल बहुत है, आप कृपा करो हमारे जीवन में या हमारे परिवार में या हमारे घर में जो भी निगेटिविटी नकारात्मकता है उसे खत्म करने की शक्ति प्रदान करना बाबा। और आपको प्रणाम करके उस पिन को वहीं रख देना है रात्रि में,
सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके पूजन करें और शिव चालीसा का बड़े श्रद्धा से पाठ करें और इस पिन को लिख करके लेकर घर के द्वार के बाहर जो दरवाजा है आपका प्रमुख मुख्य द्वार है उसमें आपके दाहिने हाथ की तरफ जो लकड़ी नीचे आ रही है दरवाजे की उसके ऊपर लिखना है आपको 92 पहले 9 लिखना है फिर आगे 2 लिखना है। 2 नंबर शक्ति का है 9 नंबर ब्रह्म का है। ये दोनों के दोनों नंबर लिख करके नीचे 3 बिंदु लगा देना, ऊपर नंबर लिखना नीचे 3 डॉट्स बना देना और बाबा को प्रणाम करना। पुत्र देव वो त्रिलोकीनाथ आपके जीवन में तत्काल व्यवस्थाओं को सकारात्मक करना शुरू करेगा और आपका जीवन बहुत सकारात्मक हो जाएगा। फिर आपको कहना पड़ेगा मेरा हर पल मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।